इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेशी सुपर फैन का वायरल वीडियो और भी बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड वीकली क्रिकेट अपडेट में, जहां हम लेकर आते हैं हफ्ते भर की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं इस हफ्ते की मुख्य खबरें। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहा यह दूसरा टेस्ट मैच काफी दिलचस्प रहा। पहले टेस्ट को जीतने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी जीत का इरादा लेकर मैदान पर उतरी। हालांकि बारिश ने खेल में खलल डाल दिया है, जिसके चलते पहले और दूसरे दिन का खेल काफी प्रभावित रहा। बांग्लादेश ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 107 रन बना लिए थे। इस दौरान उन्होंने 3 विकेट खोए। बारिश ने दूसरे दिन भी अपना असर दिखाया और खेल बिना किसी गेंद फेंके ही रद्द कर दिया गया। वैसे तो पहले 2 दिन मैच में बारिश के कारण ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेशी सुपर फैन टाइगर रॉबी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल बांग्लादेशी सुपर फैन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो काफी दर्द में दिख रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय प्रशंसकों ने उस बांग्लादेशी फैन की पिटाई कर दी। पिटाई की जो वजह सामने निकल कर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि उस फैन ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारतीय फैंस आग बबूला हो गए और उसे आरे हाथों ले लिया। हालांकि कानपुर पुलिस का ये बयान आया है कि उस फैन के साथ कोई भी मारपीट नहीं हुई और वह डिहाइड्रेशन के कारण नीचे गिर गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली और डीडीसीए ने इस साल की रणजी ट्रॉफी के लिए 84 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार्स का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का पहला मैच छत्तीसगढ़ से होगा। हालांकि कोहली और पंत का खेलना अभी अनिश्चित है, क्योंकि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों में व्यस्त रह सकते हैं। बावजूद इसके कोहली और पंत जैसे स्टार्स का नाम सुनकर दिल्ली के फैंस में खुशी की लहर है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने T20I से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट से भी संन्यास लेना चाहते हैं। साकिब ने इच्छा जताई है कि वे अपना आखिरी टेस्ट मीरपुर में खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं हुआ तो भारत के साथ चल रहा दूसरा टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट होगा। अगली बड़ी खबर वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को लेकर है। ब्रावो को आईपीएल 2025 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर बनाया गया है। इससे पहले वे चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच थे। मेंटोर बनने के बाद ब्रावो ने कोलकाता नाइट राइडर की पूरी टीम और को ऑनर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को धन्यवाद कहा। उन्होंने यह भी कहा कि केकेआर आने वाले सालों में पार्टी करना, मस्ती करना और ट्रॉफी जीतना जारी रखेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया। नेक्स्ट न्यूज वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत को लेकर है। दरअसल आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 3 अक्टूबर से यूएई में होने जा रहा है। टीम इंडिया समेत सभी 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंच चुकी है। इस बार भारतीय महिला टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टूर्नामेंट से पहले सभी 10 टीमों को 2-2 वार्म अप मैच खेलने हैं। जाहिर है भारतीय महिला टीम ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है और इस बार उम्मीदें काफी ज्यादा है। 2020 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत जरूर फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस वर्ल्ड कप से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए चीयर कर रही हैं। यह वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने रिलीज किया है, जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें मैच देखना है, डिस्टर्ब मत करो। वीडियो में आलिया ने कहा कि हमारी वुमेन इन ब्लू जब देश के लिए खड़ी होती है तो यह बेहद खास पल होता है। जब पूरा देश नेशनल एंथम के लिए खड़ा रहेगा तो हमें कौन रोक सकता है। अगली खबर मिचेल स्टार्क के नाम हुए एक शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्टार्क के एक ही ओवर में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने कुल 28 रन बना दिए। इसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था। इस ओवर के साथ ही मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 53 साल के वनडे इतिहास में सबसे महंगा ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। अगली बड़ी खबर श्रीलंका की युवा बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस को लेकर है। दरअसल मेंडिस ने ब्रैडमैन के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 8 मैचों में 1000 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल में चल रहे दूसरे टेस्ट में उन्होंने 182 रनों की नाबाद पारी खेली और डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 13 इनिंग्स में 1000 रन बनाने वाले मेंडिस अब एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महान डॉन ब्रैडमैन ने भी अपनी 13वीं इनिंग्स में 1000 रन पूरे किए थे। अब अगली बड़ी खबर यह है कि भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान एक कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं।
यह घटना तब हुई जब वह अपने पिता के साथ ईरानी कप के लिए लखनऊ आ रहे थे। इस दुर्घटना में मुसीब को गंभीर चोटें आई जिसके कारण वह ईरानी कप 2024 से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण वह लंबे समय तक फील्ड से दूर रह सकते हैं और यह मुंबई की टीम के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।